हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तिका तरंग बाई अमित पब्लिकेशन से पाठ 9, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है मुकदमा हवा पानी का। मुकदमा हवा पानी का, तो बच्चों आप देख रहे हैं चित्र, चित्र में आपको कौन कौन से प्रदूषण दिखाई दे रहे हैं उनके नाम और प्रदूषण। जैसे हम देख रहे हैं ये एक बालिका है, एक शायद उसके पिताजी हैं, इन्होंने नाक के ऊपर ये एक अपना रुमाल रखा हुआ है। इधर पेट्रोल चल रहा है, उधर एरोप्लेन चल रहा है, हवाई जहाज, इधर कारखाने हैं, चिमनी है, उसका धुआं है, इधर नदी है, नदी पे जो धोबी है वो कपड़े धो रहा है, इसमें जानवर भी हैं वो भी नहा रहे हैं, कितनी गंदगी है। तो कितना सारा प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, बहुत सारे, और कारखाने, ये पेट्रोल, कितना सारा यहाँ पे हमें प्रदूषण दिखाई दे रहा है। जैसे हवा है, प्रदूषण के कारण हवा में कौन कौन से हैं, जैसे कारखाने हैं, चिमनी है, ऊपर चिमनी आ रही है ना, और कौन कौन से हैं, पेट्रोल, ये देखिए गंदा प्रदूषित पानी है ना, जिसमें जानवर भी नहा रहे। तो बहुत सारे कारण हैं बच्चों जिसके कारण ये प्रदूषण जो है वो वातावरण में फैल रहा है। तो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान हमारे सहयोग और नैतिक जिम्मेदारी के साथ ही संभव है। पेड़ लगाना, प्रदूषण से लड़ना और साफ सुथरे वातावरण का समर्थन करना हम सबका कर्तव्य है। आइए पाठ के माध्यम से प्रदूषण के विषय में शिकायत कर रहे प्रकृति के तत्वों की विनती सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये एक एकांकी है, एकांकी के माध्यम से इस पाठ में जो बताना चाह रहे हैं वो इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि क्या 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 कमियां हैं, किस कारण से इतना प्रदूषण हो रहा है। महाराज का दरबार, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री व दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं, मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए। तो मंत्री खड़े होकर क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ महाराज। महाराज कहते हैं, जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री कहता है, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं, वे पास के कमरे में बैठे हैं। महाराज कहते हैं, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए। तो मंत्री इशारा करते हैं, भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है, उसके कपड़े के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, पानी कहता है, महाराज की जय। तो महाराज कहते हैं, पानी तुमसे इन लोगों की शिकायत है, यदि शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। पानी कहता है, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ हैं, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। मंत्री कहते हैं, महाराज लोगों की पहले शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा रहा है। सब लोग क्या बोल रहे हैं कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, अपने साथ ही गंदगी और बीमारियां सब जगह पहुंचा रहा है। तो पानी क्या कहते हैं, पानी कहता है, महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं, पशुओं के को जोहड़ के भीतर तैरने देते हैं, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है, नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाली का पानी छोड़ा जाता है, महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता। महाराज कहते हैं, भाइयों आपके पास क्या इसका कोई जवाब है? तो लोग आपस में फुसफुसाकर, मतलब धीरे धीरे बातें करते हैं, फिर उसमें से एक बोलता है, महाराज, एक बोलता है, महाराज यह तो मान लिया, पर कहाँ बरसना कहाँ नहीं बरसना यह तो इस पानी की मनमानी है। तो पानी कहता है, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है,
जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ पे मैदान बना दिए हैं, वह वन नष्ट कर दिए हैं, यानी कि जंगल सारे खत्म कर दिए हैं। किसने? हम इंसानों ने। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। अगर वर्षा नहीं हो रही है तो ये लोग जिम्मेदार हैं। तो दूसरा कहता है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी कहता है, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही, फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लेकिन लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, वह तो घर डूबेंगे ही, मैं इनकी बनाई गलियों गलियों में घूमता रहूँ, पर ये कैसे संभव है? तो लोग आपस में फिर बात करते हैं। तीसरा कहता है, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ। तो चौथा कहता है, महाराज, पानी आँख मूंद कर चलता है। तो पानी कहता है, नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पे चढ़ने की कोशिश नहीं करता। पानी बच्चों हमेशा नीचे बहता है ना, पानी ऊपर तो नहीं चढ़ता। तो वही कह रहा है, ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष थे, पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और अब सीधे पानी के रास्ते वाले नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने क्या किया? अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष हटा दिए, यानी कि साफ कर दिए, और मैं वहाँ से उतरता ही नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं वहाँ कहाँ मिलूँगा। महाराज कहते हैं, और कोई शिकायत? तो फिर कोई नहीं बोलता। तो महाराज कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि अपनी गलतियाँ सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। ये महाराज किससे कह रहे हैं? महाराज उन लोगों से कह रहे हैं जो उनकी पानी की गलतियों को निकाल रहे थे, पानी को गलत ठहरा रहे थे। महाराज उनसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती है ये। फिर अब क्या है? अब दूसरा दृश्य, यानी कि सेकंड सीन, दूसरा दृश्य, वैसा ही दरबार। इस बार पानी की जगह क्या है? हवा है। हवा लड़की के कपड़े पहन, हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं, पर्दे के पीछे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है और साए साए की आवाज़ आ रही है। तो महाराज कहते हैं, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे बढ़ता है, आदमी कहता है, महाराज की जय हो, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। हवा कहती है, महाराज ये आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है, अपने आप मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू, पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो गई हूँ, इनके कारखाने से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं और ये बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें। आदमी कहता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इस हमने तुम्हें इसका न्योता दिया है? हवा कहती है, चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो मैंने चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाता है और सभी फिर क्या करते हैं? सभी को घुटन लगती है, सभी घुटन महसूस करते हैं। मंत्री कहते हैं फिर, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और हवा फिर बहने लगती है, फिर चलने लगती है। महाराज क्या कहते हैं? हवा के बारे में और कोई शिकायत? औरत कहती है, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? तो हवा कहती है, महाराज आंधी से इनका मतलब तेज चलने से है, वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर जब इन्हें गर्मी लगती है तो ये पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं।
उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत मिट्टी कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में आती हैं मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास या गली में या फिर सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका हुआ कूड़ा ही वापस इनके घरों में चला जाता है। तो बच्चों आप भी समझ रहे हैं ना कि आपको कूड़ा मिट्टी सब कहाँ डालनी चाहिए, डस्टबिन में। महाराज ये लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। ये मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं और इससे मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। तो महाराज कहते हैं मैंने सबकी बात सुनी है, लोग हवा से दुखी हैं पर कसूर हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर नुकसान न पहुंचाएं, इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। तो बच्चों इससे हमने कितना कुछ सीखा पानी और हवा के बारे में, है ना, कि हमें पानी के को कैसे साफ रखना चाहिए और हवा को भी हमें कैसे गंदगी से बचना चाहिए। और अब आ रही है कठिन शब्द मंत्री तबाह, शिकाह शिकायत लुढ़कता, कार्रवाई गलतियाँ, टेप रिकॉर्डर दरबारीगण, निर्मल न्योता जिम्मेदार और थैलियाँ। इसके बाद है शब्दार्थ, दरबारीगण का अर्थ है मंत्री, अन्य का अर्थ है दूसरा, मुकदमा अदालत में पेश किया गया मामला, साबित का अर्थ है प्रमाणित, दंड का अर्थ है सजा, निर्मल साफ, जोहर का अर्थ है कच्चा तालाब, फुसफुसाना यानी धीरे धीरे बोलना, मनमानी का मतलब है मन के अनुसार काम करना, माहौल वातावरण, सुस्ताना आराम करना, सदियों यानी 100 साल से अधिक का समय, साएं साएं का अर्थ है हवा के चलने की आवाज़, जहरीली जहर, तबाह का अर्थ है नष्ट करना, न्योता मतलब आमंत्रण, घुटन का अर्थ है दम घुटना और कसूर यानी कि दोष। अभी हमने किए शब्द अर्थ और अब हम चल रहे हैं कहाँ पे, प्रश्न, हवा में गंदगी फैलने से कैसे रोक सकते हैं। हवा में गंदगी फैलने से हम ऐसे रोक सकते हैं, कूड़ा करकट जो भी हमारे हमने बाहर रखा हुआ है इसको हमें डस्टबिन में डालना होगा, एक कूड़ा दान में डालना होगा और तब हमारी हवा में जो गंदगी है, जब हवा थी तो हवा चलेगी, तो जितनी अगर हमने गंदगी या कूड़ा डाला है तो वो हवा के साथ उड़ जाएगा और पूरी गंदगी भर जाएगी। तो हमें ये सब चीज़ें जो सफाई करें तो इसको एक कूड़ेदान में रखें। वर्षा ना होने से के लिए मनुष्य कैसे जिम्मेदार है, वर्षा ना होने के लिए जब वन कटते जा रहे हैं, जितने वन कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जब ये सब कटेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, बादल नहीं बनेंगे और वर्षा नहीं होगी। पानी निर्मल क्यों नहीं रहा, पानी के तर्क बताओ, पानी के अंदर जब इतनी गंदगी रखेंगे, इतनी गंदगी डालेंगे, उसमें छोटे जानवर भी नहा रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, कारखाने से आती हुई जो गंदगी है वो सब जाएगी, तो पानी कैसे निर्मल रहेगा, पानी निर्मल नहीं रह सकता। अधिक बरसात के लिए पानी ने किसे जिम्मेदार ठहराया, अधिक बरसात के लिए पानी ने बोला कि जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ, जब पानी जहाँ पे मुझे बरसना होता है वहाँ पे तो बारिश होती नहीं है, तो जहाँ पे बादल होगा वहीं पर तो मैं जाऊँगा, वहीं तो बरसूँगा, तो इसलिए मैं वहीं पे बरसता हूँ। आप लोगों ने जो जहाँ पे मुझे बरसना होता था वहाँ पे तो आपने सारे पेड़ काट के अपने घर बना लिए, जंगल जो था वो ख़त्म कर दिया, तो अब जहाँ पे समय अनुकूल होगा, जहाँ पे जो जगह अनुकूल होगी मैं वहीं बरसूँगा, इसीलिए मैं वहीं बरसता हूँ, इसीलिए अधिक बरसात होती है। क्या आप महाराज के निर्णय से सहमत हैं, जी हाँ, अपने उत्तर के लिए तर्क दो, जी हाँ हम महाराज के निर्णय से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि महाराज ने कहा गलती इसमें हवा की भी नहीं है, पानी की भी नहीं है, हमें खुद स्वच्छ रखने की और अपने वातावरण को साफ रखने की आदत डालनी होगी, स्वच्छता की आदत डालनी होगी, तभी जो पानी जो है, जब पानी भी निर्मल रहेगा और हवा भी जो है वो साफ सुथरी रहेगी। और अब है सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है,
मुकदमे की कार्रवाई में सबसे पहले किसे बुलाया गया? पानी को, हवा को, धूप को या वृक्ष को? मुकदमे की कार्रवाई में सबसे पहले पानी को बुलाया। शहर के गंदे नाले का पानी कहाँ छोड़ा जाता है? घरों में, झीलों में, नदियों में या कुओं में? गंदे नाले का पानी नदियों में छोड़ा जाता है। लोगों ने पहाड़ से क्या साफ कर दिए? वृक्ष, पत्थर, बर्फ या चट्टान? पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए। लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां कहाँ फेंक देते हैं? सड़कों पर, पहाड़ों पर, छत पर या बगीचे में? सड़कों पर। लोगों की पहली शिकायत क्या थी? पानी निर्मल हो गया, पानी निर्मल नहीं रहा, पानी मीठा हो गया या पानी खारा हो गया? पानी निर्मल नहीं रहा, ये लोगों की पहली शिकायत थी। और अब हमसे पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहली शिकायत पानी के बारे में आई। लोगों की पहली शिकायत थी कि पानी निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है बेटो बच्चों साफ, निर्मल नहीं रहा। पशुओं को जोहड़ यानी छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उनको बोलते हैं जोहड़ के भीतर तैरने दिया जाता है। महाराज ने सभी से कहा अपनी अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल रहने दो। औरत कहती है हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और किससे, मिट्टी से भर देती है। रेत और मिट्टी से भर देती है। और अब हम चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर लिखो किसने कहा और किससे कहा। तो सबसे पहले है पानी ने कहा मैं एकदम निर्मल हूँ। तो ये किसने कहा? पानी ने। और किससे कहा? महाराज से। जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही, ये किसने कहा? ये भी पानी ने कहा महाराज से। बदबू के कारण तो मेरा जीवन कठिन हो गया है, ये किसने कहा? ये हवा ने कहा महाराज से। हवा और पानी को दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, ये किसने कहा? महाराज ने लोगों से, जो वहां पे मंत्रीगण बैठे हुए थे, जो वहां पे राज्यसभा में सब लोग बैठे थे। हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है, ये किसने कहा? ये औरत ने कहा महाराज से। और अब है प्रश्नों के उत्तर। लोगों के घर क्यों डूब जाते हैं? लोगों के घर जो जब वहाँ पे उन्होंने जो पहाड़ थे जो जहाँ पे उनके घर थे उन्होंने वो सब काट दिए, तो पानी जो है वो ढलान पर ही जाएगा क्योंकि उन्होंने रास्ता पानी का बंद कर दिया। वो कहाँ जाएगा? वो तो जहाँ ढलान पर ही जाएगा, और ढलान पे जब लोगों के घर बने हुए तो वो तो डूब ही जाएंगे क्योंकि उन्होंने पानी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। पानी ने अपने पक्ष में क्या तर्क रखे? पानी ने अपने पक्ष में तर्क रखे कि मेरे को जहाँ जगह मिलेगी मैं वहीं निकलूँगा क्योंकि इन लोगों ने मेरे सारे रास्ते जहाँ पे वृक्ष काट दिए, पहाड़ों को काट दिया, अब मुझे कहाँ जगह मिली? अब तो मैं गली गली से ही निकलूँगा क्योंकि मैं चढ़ता नहीं हूँ, मैं तो नीचे ढलान की तरफ जाता हूँ और मेरे सारे जो रास्ते हैं जो मैं जहाँ जहाँ पर मैं उतरता बहता था वहीं वहीं से भी मैं जाऊँगा, इसलिए अब मैं और कुछ नहीं कर सकता और इन लोगों ने मेरे पानी को इतना गंदा कर दिया है, हर चीज़ इन्होंने पानी के अंदर डाल डाल के मेरे को बिल्कुल, इन्होंने मेरा जो मैं निर्मल था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लोगों की हवा से क्या शिकायतें थी? लोगों को हवा से शिकायतें थी कि हवा बहुत बदबूदार हो चुकी है, हवा में बिल्कुल खुशबू नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है और हमारे जो घर हैं हवा जब चलती है हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। औरत ने किस पर और क्या आरोप लगाया? औरत ने हवा पर यह आरोप लगाया कि हम अपने घर को इतना साफ सुथरा रखते हैं लेकिन जब हवा चलती है तो हमारे घर रेत और कूड़े से भर जाते हैं। हवा के साथ रेत, मिट्टी और कूड़ा क्यों उड़ते हैं? हवा के साथ रेत, मिट्टी और कूड़ा इसलिए उड़ते थे
क्योंकि जो लोग सफाई करते थे गांव के, गांव में भी अगर कोई सफाई होती थी तो वो कूड़े को सड़क के किनारे सांप मतलब डाल देते थे, वो उसको बंद करके या कहीं कोई डस्टबिन या कूड़ादान उसमें नहीं रखते हैं। अपने घर को साफ़ रखा, अपने दुकान को साफ़ रखा, लेकिन कूड़ा जो है उन्होंने सड़क पर ही डाल दिया। इसलिए वो कूड़ा तो जब हवा चलती थी तो वो कूड़ा उड़ता था और घरों में पहुँच जाता था। हवा ने अपनी बदबू के लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया? हवा ने अपनी बदबू के लिए लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया कि लोग जो हैं वो सब लोग इतनी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कोई भी हवा जो है सफाई नहीं रखता है, हर चीज़ जो है बदबूदार हो जाती है, मरे हुए जानवर जो हैं कुछ भी हो वो सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई भी सफाई नहीं रखता, इसलिए मैं क्या करूँ, जब मैं चलूँगी तो ये जितनी बदबू है वो सारी मेरे साथ आ जाती है। मुकदमा हवा पानी का नाटक से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें इससे ये संदेश मिलता है हवा पानी से कि हमें पानी को स्वच्छ रखना है, हमें पानी में कोई गंदगी नहीं डालनी है, हमें पानी में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है, हमें कारखाने की जो गंदगी है ये सारी चीज़ें हमें इसका ध्यान रखना है, हमें जंगलों की जो है जंगल को वृक्ष को बचा बचा के रखना है, हमें हरे वृक्ष नहीं काटने हैं, जो पहाड़ हैं हमें उनको नहीं साफ़ करना है, पहाड़ को जो है प्राकृतिक ही रहने देना है, वृक्षों को नहीं काटना है, तभी हम निर्मल जो है निर्मल जल हमें तभी मिलेगा। और हवा से भी यही हमें यही से ये शिक्षा मिलती है कि हमें घर के आसपास, हमें ये नहीं कि हमें अपने घर के आसपास ही सफाई रखें, हमें उसकी सफाई करके जो कूड़ा है हमें उसको कूड़ेदान में ढक के रखना है या इधर उधर नहीं फेंकना है, नहीं तो जब हवा आएगी तो फिर से वही गंदगी आती ही रहेगी। तो हमें इससे यह संदेश मिलता है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से समझा होगा और इससे कुछ शिक्षा भी ली होगी। इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।